हेलो एवरीवन आज हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आप जैसा कि आप थंबनेल और स्क्रीन पे भी देख रहे हैं हमने लिखा है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर क्या है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे से नहीं पता होगा तो हम आज आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है ये दिस इज अंजमोर्या और आप आ, जो है यहाँ पे बहुत ही अटेंटिव होकर आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिलता है तो आ जाइए हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन जो है क्वाटरनरी प्रोटीन है क्वाटरनरी प्रोटीन जब हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी क्वा टर्सरी और हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन है और मायोग्लोबिन टर्सरी है क्वाटरनरी का मतलब होता है इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं हालांकि हीमोग्लोबिन टेक्ट्रामेरिक है इसमें दो एल्फा और दो बीटा चेन पाए जाते हैं एल्फ़ा में आपके पास एक एल्फ़ा में 141 फोर्टी एमिनो एसिड और एक बीटा में 146 फोर्टी सिक्स एमिनो एसिड होता है तो टू इंटू वन फोर्टी वन टू इंटू वन फोर्टी सिक्स मिला के टोटल पाँच सौ चौहत्तर एमिनो एसिड लेकिन यहाँ पे ये मोनोमेरिक प्रोटीन है मोनोमेरिक का मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई प्रोटीन है जो कि एक सौ तिरपन एमिनो एसिड की बनी होती है अब सवाल है कि हीमोग्लोबिन क्या है भाई एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है वाया ब्लड जबकि मायोग्लोबिन स्टोरेज प्रोटीन है ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है हमारी मसल में एक हीमोग्लोबिन एक साथ चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है जबकि एक मायोग्लोबिन जो है वो एक साथ बस और बस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन तो ब्लड में प्रेजेंट है इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं जबकि ये मसल में प्रेजेंट है इसको मसल हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है इसकी लोअर एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन है अगर दोनों में देखा जाए ऑक्सीजन डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात करें तो इसकी ऑक्सीजन के साथ लोअर एफिनिटी है एस कम्पेयर टू मायोग्लोबिन क्योंकि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ हायर एफिनिटी है क्या है हायर एफिनिटी है तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व इनका सिग्मोइडल होता है देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो डिसोसिएशन कर्व है वो सिग्मोइडल है सिग्मोइडल है क्योंकि ऑक्सीजन से लोअर एफिनिटी और ये धीरे 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 आप कह सकते हैं कि आसानी से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है जबकि इनकी ऑक्सीजन से जो एफिनिटी है वो हायर है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसका हाइपरबोलिक आता है तो ये सिग्मोइडल और ये हाइपरबोलिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी आई तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा है सिग्माइडल है जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन मायोग्लोबिन का हाइपरबोलिक है दिस इज वेरी वेरी आई एम पी तो आई होप कि आपको सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे वंस अगेन वी विल रिपीट क्वार्टर और टर्सरी टेट्रामेरिक मोनोमेरिक ट्रांसपोर्ट स्टोरेज वन हीमोग्लोबिन फोर ऑक्सीजन वन मायोग्लोबिन वन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड प्रेजेंट इन मसल रेस्पिरेटरी पिगमेंट मसल हीमोग्लोबिन लोअर एफिनिटी टूअर्ड्स ऑक्सीजन हायर एफिनिटीट टूअर्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर सिगमोडल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर हाइपर ओके ऑल द बेस्ट सभी को आई होप की आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बाकी किसी भी तरीके के कोर्स के लिए बायोलॉजिकल कोर्स के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी तरीके की टेसरीज के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सारे सीरीज़ से जुड़े रहिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सभी को ऑल द बेस्ट